भी नहीं, सब राम जी का है। ये सबसे बड़ी भक्ति बताई। नारद जी ने भक्ति की महिमा को गाया। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। भक्ति के हे देवी ऋषि नारद, आपके हृदय में मेरी प्रति बड़ा प्रेम है। मैं आपके हृदय को छोड़कर कभी नहीं जाती, लेकिन अब तक मेरे पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ। तो कहते हैं नारद जी अपने भाइयों से कहते हैं कि हे भैया, हे सनकादि, उन भक्ति महारानी के पुत्रों के कान के अंदर मैंने वेद घोष किया, गीता का पाठ किया, कुछ जागे वापस मूर्छित हो गए। तो मैंने संकल्प किया है जब तक उनको न जगा दूं तो मैं जब तक नहीं कहीं नहीं जाऊंगा, तपस्या करूंगा, तब करके उनको जानूंगा कैसे जगाऊं। तो कहते हैं सनकादि ने कहा, रे नारद जी, आप ही ने तो उसका ज्ञान का जो चार चतुश्रो की भागवत के अंदर वेद व्यास जी को सुनाया था, भागवत जी वो भागवत का रसपान आप उनको करवाइए तो उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तो नारद जी के, हे सनकादि, मैंने उनको वेद का पाठ कह दिया, क्या वेद से अलग है भागवत? तो कहते हैं हे सनकादि, से जैसे कहा तो सनकादि के, नारद जी, सभी जो सदग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, सब का निचोड़ है श्रीमद् भागवत, इसलिए उसका रसपान आप करवाइए। कैसे? कर्ण रसायनम कानों द्वारा पिला दीजिए, मुख से नहीं पिया जाएगा। ये वेद रूपी लता का पका हुआ फल है, उसका रसपान आप करवाइए। कहते हैं महाराज, अब नारद जी को भागवत जी का कहा तो नारद जी के तो कैसे कहनी चाहिए भागवत कि गंगा के तट के ऊपर आनंद घाट के धाम पर ये भागवत का रसपान आपको कराना चाहिए। तो कहते हैं कराना नहीं चाहिए, साथ साथ ही चलना चाहिए। चारों भाई कहते हैं श्रोता एक भाई वक्ता बन करके वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत वार्ता कर रहे हैं। नारद के श्रोता गण उत्तम पूर्व का सन्नत अहि महतम। कलयुग में जो मनुष्य महापापों की खान है वह इस पुराण के सुनकर के तर जाते हैं। संत कुमार जी ने नारद जी को उत्तम श्रोता जान करके ही इस पुराण का महात्म्य सुनाया था, बताया था। और महाराज वहाँ आनंद घाट के धाम पर चार भाई श्रोता एक वक्ता बन करके जाते हैं। वहाँ शीतल मंद पवन बह रही है, सुगंध पक्षी कहते हैं चहक रहे हैं और सुंदर हरियाली है। शीतल मन मोहक कहते हैं सुगंध पवन बहती, वहाँ हिंसक जीव भी एक घाट के ऊपर पानी पीते हैं, उस शतान के ऊपर जाकर के कथा कर रहे हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राश्च तंत्राश्च मूर्तयः। वेद वेदांत उपसिद्ध मंत्र तंत्र सहस्त्र पुराण छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हो गए जहां भागवत की कथा हो रही थी। कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करना बड़ा ही पुण्य का काम बताते हैं। भूमि दान भी उतना उत्तम नहीं। दान में सबसे बड़ा दान क्या है? जो भागवत का नाम दान कर दे, नाम दान। भागवत में भगवान कहते हैं सुखदेव जी, सबसे बड़ा दानी वो है, सबसे बड़ा दानी जो भागवत का दान करे। इसलिए भैया खुद भी आओ और औरों को भी आप लेकर के आओ। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। एक दिन चला गया है और छह दिन आगामी है, ये दिन तो जाएंगे, सात ही दिन है और सात दिन तो जाने ही है। सात दिन में जन्मते हैं, सात दिन में मरते हैं। तो संत कहते हैं अकेला काई आओ रे सत्री संगत में भाई, ओरा ने सागे ले आओ रे हरि भजन में भाई। क्या मात पिता भाइया ने लियाओ, लियाओ चाची ताई, और बेटा और बहू ने लियाओ बेटी संग जवाई। अकेला काई आओ रे सत्री संगत में भाई। कह सासू ने ससुरा ने लियाओ, साला ने समझाई, और जाति ने न्याति ने लियाओ, और महाराज समधि और समदरण लियाओ आगे खातिर करो सवाई। अकेला काई आओ रे सत्री संगत में भाई। जाति ने न्याति ने लियाओ, लियाओ घर को नाई, और बैरी ने दुश्मन ने लियाओ दीजो बैर हटाई। और पास पड़ोसी सब ने लियाओ और सबकी करो भलाई। अकेला काई आओ रे सत्री संगत में भाई। कहते वह पिता पिता है,
वह माता माता है, वह बहन बहन है, वह भाई भाई है, वह गुरु गुरु है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण है, वह पड़ोसी पड़ोसी अपना है। जो कहती है भागवत में भगवान में लगाए, वही माता पिता असली है और सब नकली है। वो पत्नी पत्नी है जो भागवत में लगाए, वो पति पति है जो पत्नी को भागवत में लगाए, भजन में लगाए। वो पिता पिता असली है जो बेटे को भागवत में लगाए, सत्संग चर्चा में लगाए। वही गुरु उच्च कोटि का है। और कहते हैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोजाना सुनना है या थोड़ा सा पढ़ना है। सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचितम् समाचरेत्। ये नहीं है भागवत सुनी तो आगे हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करना है। रोजाना नित प्रति सदा सेव्यम श्रवण करना है, मनन करना है। जहां भागवत कथा हो वहां कहते हैं घर मंदिर हो जाता है, वह घर तीर्थ हो जाता है। और जो पुण्य समेरु तुल्य स्वर्ण दान से नहीं होता, कहते हैं वो कन्या दान का होता है, वही पुण्य भागवत का बताया गया है। वह कन्या दान का सबसे बड़ा पुण्य होता है, कहते हैं वैसा ही भागवत के सुनने का जो पुण्य है वो कन्या दान के समान बताते हैं। जो व्यक्ति भागवत ग्रंथ को सोने के आसन पे रख करके, जो कहते हैं विराजमान करके किसी ब्राह्मण को दान कर देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के सायुज्य मुक्ति प्रदान यानी प्राप्त कर लेता है। मन पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ और तप से, ध्यान से, तीर्थ से भी भगवान की बराबरी उनके कहते हैं भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। कहे जो पुरुष अंत समय मरते समय भागवत का एक वाक्य भी सुन ले तो उसका कल्याण निश्चित है। अगर मैं मर जाऊंगा तो पड़ोस में मरे, घर में मरे तो हम रोते हैं, कहते हैं हमारे परिवार वाले अंत मतिसो गति बताते हैं, रोना कभी नहीं चाहिए। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। ये कहते हैं पंच भौतिक शरीर है, जो हाड़ मांस का पुतला है वो मरेगा, आत्मा नहीं मरती। हमारा बचपना जवानी बुढ़ापा मर गया, क्या नई बात नहीं हो गई? जो मर गए रोजाना ही तो मर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं, एक एक मिनट एक एक क्षण मर रहे हैं, मर ही तो रहे हैं। कहते हैं रोना नहीं, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, कीर्तन करें, आत्मा को शांति के लिए कुछ उपाय करें। और अब भक्ति महारानी कहते हैं कि पुत्र पुष्ट हो जाते हैं, चारों ओर बड़ा आनंद हो जाता है। भक्ति महारानी कहते हैं वहां भागवत हो रही थी, उस सभा के अंदर प्रकट होती है। सुतौ भक्ति सुतौ दौ तृण गृहीत्वा प्रेम स्वरूपा से सविरासी भक्ति सुतौदृहीत्वा प्रेम स्वरूपा से सविरासी श्री राम गोविंद हरे मोरारे हे नाथ लारा यण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं भागवत के अर्थों से निकल करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति वहां सभा में प्रकट हो गए। ऐसी भागवत की महिमा कितनी बड़ी है कि भक्ति महारानी पधारी, भक्ति के ही सनकादि। हम नष्ट प्रायण हो गई थी, आपने कथा की तो कहते हैं मैं पुष्ट हुई, अब अज्ञा करो मैं कहां जाकर के रहूं। तो कहते हैं नारद जी के इन सभी भक्तों के हृदय के अंदर आप जाकर के निवास करिए। जो कथा कह रहे थे सुन रहे थे उन सभी के हृदय के अंदर आज 14 भुवन के अंदर 3 लोक में निर्धन कौन है? भैया वही निर्धन है जिसके कहते हृदय में भक्ति नहीं है।
वो सब लोग निर्दन हैं जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। सबसे बड़ा धनवान कौन है? कबीरा, संसार के अंदर धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानी जाके राम नाम धन होए, वही धनवान है जिनके पास राम नाम की कमाई है। और कहते हैं परमानंतिन मोही अतरो मुरलीधर है, और कहते हैं परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए, प्रभु कैसे हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, मन में भाव बना करके वर वाला धारण किए हुए, हाथ में मुरली और मोर मुकुट पहने हैं, और पीतंबर कहते धारण किए हैं, टेढ़ी चितवन से सारी सभा को मोहित कर रहे हैं, प्रभु परमानंचित चुराने वाले मुरली बजा रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं नृत्य कर रहे हैं, देवता आकाश मंडल में आकर के जोर जोर से धुनमियां बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस सभा के अंदर परमात्मा पधारे और कहते हैं ऐसे सुहाने रियाजे रूप का देख करके भक्तों ने उनके सनकादि नारद जी से कहते हैं हे सनकादि बताओ कि भागवत कथा सुनने से किस किस का कल्याण होता है। सनकादि के ध्यान से सुनो, जो आदमी तरह तरह की पाप किया करता है, क्रोध की अग्नि में जल करके मन के कपट भरा हुआ है, या धोखा देता है, या गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु पर स्त्री गमन, अशराब पीना, चुगली खाना, ऐसे ऐसे महापाप भी कोई किया करता है, तो कहते हैं अगर ऐसे ऐसे पापी भी अगर उस कथा के अंदर आ जाए, एक बार ध्यान से मन से कथा सुन ले, तो पापी से पापी भी तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है, पर तो दोबारा पाप नहीं करना, श्रद्धा भाव पूर्वक सुने तो उनका कल्याण होता है। आगे